हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछला क्लास में हमने एनसीईआरटी बुक के 3.3 एक्सरसाइज का 13 सम किए थे। फिर से बता देना चाहता हूँ, एक्सरसाइज का सम करना टारगेट नहीं है, एक्सरसाइज का सम बहाना है, उसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अब तक हमने 8 फॉर्मूला मेन डिराइव किए, ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी किया, और इसके पहले क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड जितना सम था एक्सरसाइज का वो हमने कर लिया। अब उसी फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ और सम्स आर डी शर्मा से या एक्स्ट्रा बुक से लिख के रखा हूँ, ये सब करने के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए, ये एग्जाम पर्पस के लिए भी। कहने का मतलब एनसीईआरटी का बुक में बहुत फॉर्मूला के लिए बहुत कम सम है, कम है, उससे ज्यादा आपको करना है, तो कुछ कुछ ज्यादा मैं कराने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए एक क्वेश्चन लिया हूँ, एनसीईआरटी बुक का नहीं है। साइन ए इक्वल टू हाफ कॉस बी इक्वल टू 12/13, जहां दिया है वेयर पाई बाई टू से एंगल ए ग्रेटर पाई से छोटा, यानी पाई बाई टू का वैल्यू, ए का वैल्यू 90 से बड़ा 180 से छोटा, बी का वैल्यू भी 270 से बड़ा 360 से छोटा, तो फाइंड ये सब। इसका आंसर करने के लिए साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी इस सबसे रिलेटेड है। अभी ये 5-6 सम सब तुरंत हो जाएंगे। ये करने के बाद अगले नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा 10a + b के कुछ पार्टिकुलर सम। इसलिए कुछ कुछ हर एक फॉर्मूला पे डिपेंडेंट कुछ कुछ जो सम्स है वो हम लोग एक्स्ट्रा करते रहेंगे, और टेक्स्ट बुक का तो चलाते ही रहूंगा। तो चलिए इसको शुरू करता हूँ। साइन ए इक्वल टू हाफ, हम लोग ने इस तरह का ट्रेंगल बना के किया था, अभी भी ट्रेंगल बना के ही करूंगा, लेकिन यहां दिया है हुए ये सब बात, तो क्वाड्रेंट बना ले। पाई बाई टू से बड़ा है, यहां तक हुआ पाई बाई टू से बड़ा एंगल ए है, ये रहा जीरो, इस लाइन को पाई बाई टू बोलते हैं, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, यानी पाई बाई टू, ये है 2π/2, 2π/2 का मतलब पाई, तो पाई बाई टू से बड़ा, इससे बड़ा एंटी क्लॉक वाले डायरेक्शन में, पाई से छोटा, इस घर में एंगल ए है, इस घर में एंगल ए बना के रख दिया, ये एंगल ए। और साइन ए इक्वल टू हाफ, साइन ए इक्वल टू हाफ साइन p/h, p है 1, हाइपोटेन्यूस 2, तो ये बेस निकाल ले, √3, ये नेगेटिव लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव, इससे फायदा होगा आपका साइन ए इक्वल टू हाफ है, तो यहां से आपका कॉस ए मिल जाता है, कॉस ए इक्वल टू बेस बाय -3/2, और टेन ए इक्वल टू जो साइन कॉस टेन जो भी चाहिए, हमें चाहिए साइन ए प्लस बी, इसमें साइन ए कॉस बी सब चाहिए, साइन कॉस सब चाहिए, टेन में टेन चाहिए, तो साइन ए कॉस ए टेन ए, ये तीनों इससे साइन हाफ से निकाल के रखता हूं, 10a p/b परपेंडिकुलर 1/2। ओके, देन बी का बात आया, बी है 3π/2 से बड़ा, ये रहा 3π/2 से बड़ा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में जाइए, 2π से छोटा, इस घर में एंगल बी है, ये एंगल बी बना लेता हूं इस तरह से। और cos 12/13, बेस है 12, हाइपोटेन्यूस है 13, ये 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, माइनस किया 25, ये रहा आपका 5, नीचे के तरफ है तो -5, इससे साइन क्या कॉस बी से, कॉस बी बेस बाय हाइपोटेन्यूस से परपेंडिकुलर निकाल लिया, क्वाड्रेंट में दिया है, क्वाड्रेंट में निकाल लिया हमने। अब कॉस बी दिया है, ये भी लिख लेता हूं, कॉस बी दिया आपका, कॉस बी इक्वल टू 12/13, तो साइन बी इक्वल टू ट्रेंगल से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस इक्वल टू -5/13, और टेन बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस -5/12, ये साइन ए कॉस ए टेन ए, साइन बी कॉस बी टेन बी हमने निकाल दिया, साइन ए प्लस बी चाहिए, टेन ए प्लस ए माइनस बी चाहिए, ये मिटा देता हूं, साइन ए प्लस बी निकालता हूं, ये डाटा लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी, इसलिए साइन एक नंबर साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए का वैल्यू हाफ, कॉस बी का वैल्यू 12/13, ये रहा एक पार्ट, प्लस कॉस ए का वैल्यू -√3/2, साइन बी का वैल्यू -5/13, ये रहा 12/26, -+5√3/26, यानी 26 एलसीएम, 12 + 5√3, ये रहा आपका आंसर।
तो साइन ए प्लस बी निकालने के लिए साइन ए से सभी ए वाला एंगल निकाल ले, कॉस बी से सभी बी वाला एंगल निकाल ले, क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बना के और वैल्यू पुट कर दिया, टेन ए प्लस बी भी निकाल, टेन ए माइनस बी था जो भी था, अब इससे इतना से साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी और कॉट भी निकालते तो कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी भी निकाल ले। मेन बात है आप ये क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बनाए और फॉर्मूला डिराइव करें, फॉर्मूला निकाल लें, टेन ए माइनस बी इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन ए टेन बी। जस्ट टेन ए का वैल्यू, टेन ए का वैल्यू हाफ माइनस टेन बी का वैल्यू, टेन बी का वैल्यू माइनस फाइव बाई ट्वेल्व यानी फाइव बाई ट्वेल्व डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन ए का वैल्यू हाफ टेन बी का वैल्यू माइनस फाइव बाई ट्वेल्व। ये कैलकुलेशन आप कर ले, इसमें टाइम बर्बाद नहीं करता हूं, शॉर्ट टाइम में आप देखना पसंद करेंगे, इसको मिटा देता हूं। ओके, नेक्स्ट कुछ सम्स ये कॉन्सेप्ट के लिए, और आप ज्यादा से ज्यादा सम करें किसी भी बुक से, मैंने ये सब क्वेश्चन आरडी शर्मा से लिखा, आप किसी बुक से लिख के करें, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी फॉर्मूला जो है आपका दिमाग में रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ये एक नंबर क्वेश्चन कर लिया, ये दो नंबर क्वेश्चन फिर से नहीं लिखता हूं, देख लीजिए, cos a इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर बाई ट्वेंटी फाइव, cos b इक्वल टू थ्री बाई फाइव, a का वैल्यू है पाई से बड़ा, ये बना लेता हूं, ये जीरो, ये पाई बाई टू, ये पाई, ये थ्री पाई बाई टू, ये टू पाई, जीरो या टू पाई जो भी बोले, a का वैल्यू पाई से बड़ा थ्री पाई बाई टू, ये पाई से बड़ा इधर पाई और थ्री पाई बाई टू में ये एंगल ए, एंगल ए कॉस ए दिया है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, बेस है आपका ट्वेंटी फोर, हाइपोटेन्यूस है ट्वेंटी फाइव, नेगेटिव है, आप नेगेटिव आराम से समझिएगा, ये लेफ्ट हैंड है तो ये नेगेटिव होगा, इसका स्क्वायर ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर सिक्स, ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर का स्क्वायर ट्वेंटी फोर इंटू ट्वेंटी फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन, कैरी वन, फोर टू जा एट, टू जा सिक्सटीन, वन सेवनटीन, टू टू जा फोर फाइव सेवेंटी सिक्स, फिफ्टीन से सिक्स किया नाइन, यहाँ बचा वन, इलेवन से फोर्टी नाइन, ये रहा आपका सेवन, डी डाउनवर्ड है तो माइनस सेवन। ये एंगल ए वाला, एंगल ए वाला ट्रेंगल हमने बना लिया, बी वाला ट्रेंगल बनाना है थ्री पाई बाई टू और टू पाई, ये थ्री पाई बाई टू और टू पाई, इस घर में एंगल बी बनेगा, चलिए बना लेते हैं, ये टू पाई निकालता हूं, कंफ्यूज करेगा, ये एंगल बी बना लिया, यहां वैल्यू दिया आपका कॉस थ्री बाई फाइव, कॉस बी का वैल्यू, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, बेस बाई हाइपोटेन्यूस फाइव, ये नो डाउट फोर होगा, 25 माइनस 9 16 का 4, ये 4 है डाउनवर्ड गया तो नीचे, ये होगा। यहां अब लिखता हूं इसका आंसर में, ये था cos a इक्वल टू माइनस 24 बाई 25, तो sin a इक्वल टू, यहां चाहिए sin a प्लस बी, इसलिए 10 निकालने का जरूरत नहीं, sin a प्लस, sin a इक्वल टू, इस घर में sin परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस माइनस 7 बाई 25, ये रहा a वाला एंगल। अब कॉस बी का, कॉस बी दिया हुआ है कॉस बी इक्वल टू थ्री बाई फाइव, तो साइन बी इक्वल टू, इस ट्रेंगल से साइन बी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस माइनस फोर बाई फाइव, बस साइन ए माइनस बी या ए प्लस बी जो भी चाहिए वो निकाल ले, ट्रेंगल बनाना है, वैल्यू सब निकालना है, फॉर्मूला लिख के पुट कर देना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए का वैल्यू दीजिए, साइन ए का वैल्यू, साइन ए का वैल्यू माइनस सेवन बाई ट्वेंटी फाइव, कॉस बी का वैल्यू, कॉस बी का वैल्यू थ्री बाई प्लस कॉस ए का वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू माइनस ट्वेंटी फोर बाई ट्वेंटी फाइव, साइन बी का वैल्यू माइनस फोर बाई फाइव। इसका कैलकुलेशन मैं नहीं करता हूं, बेकार टाइम नहीं, आपको बस टेक्निक सब सिखाना है, ये सीख लीजिए, और इस तरह के दो तीन सम और भी कर लीजिए, टेक्स्ट बुक में भी मिल सकते हैं, नहीं तो किसी भी रेफरेंस बुक से कर लीजिए, बार बार कहता हूं ज्यादा प्रैक्टिस ही बस फॉर्मूला सीखने का उपाय है। तो ये क्वेश्चन नंबर टू हमने कर लिया, ये नया टाइप था कर लिए, चलिए कुछ और नया में जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम कर रहा हूं जिससे कि फॉर्मूला सब आपका दिमाग में सेट हो जाए। क्वेश्चन नंबर फोर थ्री देखिए, प्रूव दैट कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 15 इक्वल रूट 3 बाय 4 प्रूव करना है। कॉस स्क्वायर यहां लिखता हूं सॉल्यूशन, कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर
15 ये क्वेश्चन इसलिए लिखा हूँ कोई भी स्टूडेंट अचानक ये 45 देख के cos 45 का वैल्यू 1 by root 2 बिठाना शुरू कर देगा और sin 15 है इसको 45 minus 30 लिख के प्रोसीड करेगा तो आप गलत रास्ते में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत सजा के दिया हुआ है आपका देखिए cos square a minus sin square b इसका फॉर्मूला है cos a minus b into cos a plus b क्यों ना ये लंबा लंबा नहीं करके लगा दू cos a माइनस बी 45 माइनस 15 इंटू कॉस ए प्लस बी यानी 45 प्लस 15 बस आसानी से हो जाएगा कॉस 45 माइनस 15 30 डिग्री ये कॉस 60 डिग्री कॉस 30 का वैल्यू रूट 3 बाई 2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1 बाई 2 यानी रूट 3 बाई 4 ये आंसर प्रूव या प्रूव हो चुका है यहाँ मतलब था बोलने का जो अचानक से तुरंत आधा देख के ही क्वेश्चन प्रोसीड ना करे बेकार में आपका लंबा हो जाएगा आंसर तो मिल जाएगा नो डाउट गलत नहीं है करेक्ट है तो आंसर मिल जाएगा लेकिन आप बेकार में मूर्ख बन गए तो यही सब बताना है आप पूरा देखे और कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा ये डिसीजन ले इसको मिटाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हो ये 10a इक्वल टू एक्स 10b प्रूव दैट ये 10a इक्वल टू एक्स 10b 10b में दिया हमें साइन a माइनस बी साइन a प्लस बी लाना है ये तरीका सब देखिए 10a इक्वल टू एक्स 10b हमें प्रूफ में साइन चाहिए तो अभी साइन कॉस में ले आ देता हूं 10a को लिख सकते हैं साइन a बाई कॉस a इक्वल टू ए एक्स रहने दीजिए साइन b बाई कॉस b ये क्रॉस मल्टीप्लाई से साइन a इंटू कॉस बी यहाँ कॉस ए इंटू साइन बी इस साइड आपका रहा एक्स यानी एक्स बाई वन लिख देते हैं प्रूफ करना था एक्स माइनस वन बाई कॉम्पोनेंडो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर याद नहीं है आपको या आप इस बात बारे में नहीं जानते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या है तो ये रेशियो प्रोपोर्शन में क्लास 9-10 में चैप्टर था अभी शायद आउट कर दिया है 9 में अभी भी है लेकिन यहाँ तक बात नहीं हुआ है फिर भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ a by b equal to c by d ये रेशियो प्रोपोर्शन ये रेशियो इक्वल टू ये रेशियो अगर है तो हम लिख सकते हैं बाई दिस प्रोसेस इसका डिराइवेशन दिया डिराइवेशन नहीं जस्ट एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ इसको ये इंप्लाई करके हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी यानी ऊपर वाला प्लस नीचे वाला फिर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला तो राइट हैंड साइड में भी इसी तरह करेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड करेंगे वही राइट हैंड साइड करेंगे यहाँ ऊपर में प्लस दिया था तो यहाँ भी प्लस दीजिए यहाँ भी सी माइनस डी दीजिए ये इसके बाद इसको लिखने को ही इस प्रॉपर्टी को ही कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कहते हैं अगर आप यहाँ माइनस देते हैं और यहाँ प्लस देते हैं तो दीजिए तो यहाँ भी आपको माइनस देना पड़ेगा प्लस देना पड़ेगा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ये चक्कर है कहाँ अप्लाई होगा समझने के लिए हम यहाँ एक्स माइनस वन देखे हैं ऊपर वाला माइनस नीचे वाला बस चलो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कॉम्पोनेंट डिविडेंडो ऊपर में माइनस होना चाहिए ये दिखाता हूँ हमें चाहिए इस तरह से सोचते हैं एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन तो इधर भी आप करेंगे ये हमने लिखा ऊपर वाला माइनस नीचे वाला तो ऊपर वाला साइन ए कॉस बी माइनस दिया है तो माइनस नीचे वाला कॉस ए साइन बी डिनोमिनेटर में ऊपर वाला पहले हमेशा ऊपर वाला पहले साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बस ये साइन ए प्लस बी लाना कैसे है ये टॉपिक है क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है इसमें साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी फॉर्मूला आ चुका है साइन ए माइनस बी आइए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी का इक्वल टू इस साइड तो हो ही चुका है एक्स माइनस वन या एक्स प्लस वन ये प्रूफ यहाँ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ने गिवेन दिया है गिवेन से हम प्रोसीड करेंगे और जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा तो प्रूफ कुछ सम्स होते हैं जहां लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया जाता है लेकिन इस तरह के सम्स डिराइवेशन टाइप का है गिवेन से स्टार्ट करिए प्रूफ तक लाइए यहाँ 10a इक्वल टू एक्स 10b दिया था हमें साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी फॉर्मूला लाना था तो साइन में कन्वर्ट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ठीक जस्ट ऑपोजिट इसका क्वेश्चन ये है साइन x प्लस वाई बाई साइन x माइनस वाई गिवेन है इक्वल टू प्लस बी बाई ए माइनस बी आपको ये x प्लस वाला कंपाउंड एंगल वाला हटाना है यहाँ लाए थे यहाँ हटाएंगे सेम टेक्निक सेम कंपोनेंट और डिविडेंडो दिखाता हूं
यानी सब मिलके बात है अभी साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी, इस चार का सम इस वीडियो में कर रहे हैं, अगले में या अगले टॉपिक में, इस वीडियो में हो अगले वीडियो में हो, टेन ए प्लस बी का टॉपिक करेंगे, फिर नया फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फिर एनसीईआरटी बुक में जाएंगे। इस तरह से एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज करने के बदले में हम उसका कम से कम 3 टाइम्स या 4 टाइम्स सम करें, ज्यादा सम्स करेंगे। ये लीजिए 5 नंबर में, फिर से बोल देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी बाई ए, माने एक्स प्लस वाई बाई साइन एक्स वाई, ये गिवन है, यहाँ से हमें एक्स प्लस वाई यानी कंपाउंड एंगल हटाना है। चलिए शुरू करते हैं, लिखा हुआ साइन एक्स प्लस वाई बाई साइन, जस्ट ऑपोजिट है, ऑपोजिट है, सेम टेक्निक है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए प्लस बी बाई ए माइनस बी। फॉर्मूला हमें प्लस वाला नहीं चाहिए, तो चलिए लिख लेते हैं साइन एक्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इक्वल टू ए प्लस बी बाई ए माइनस बी बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। सेम लगा देता हूं, कहने का मतलब यहाँ बीच में प्लस दे रहा हूं, ऊपर में प्लस दे रहा हूं, नीचे में माइनस दे रहा हूं, ऊपर वाला इतना वाला नहीं लिख पाऊंगा, ये प्लस ये, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, ये कट जाएगा, कहने का 2 sin x cos y, ये ऊपर वाला प्लस नीचे वाला लिखा हूं ऊपर में। अब डिनोमिनेटर में ये प्लस ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर वाला ये माइनस नीचे वाला, इससे इसको माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 cos x sin y बचेगा। यहाँ इसमें अगर इसको प्लस करूं तो 2a, इसमें इसको माइनस करूं तो 2b, ये 2 2 कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल, यहाँ साइन एक्स बाई कॉस एक्स का मतलब हुआ 10x इंटू कॉस वाई बाई साइन वाई का मतलब हुआ कॉट वाई इक्वल टू ए बाई बी। हम इसे लिख सकते हैं 10x by cot y को 1 by 10y यानी 10y equal to a by b, cross multiply करें जो भी करें, a 10y equal to b 10x, इस तरह से derive या proved हो जाता है। ये भी कर चुके हैं, चलिए बस sin a plus b cos a plus b इससे related sum से मैं जाता हूँ next question। इसका अगला वीडियो जरूर देखिए, उसमें 10a plus b का करूंगा, छोटा छोटा टुकड़ा बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, कुछ कुछ सम्स करूंगा, जिससे आपको प्रेशर नहीं पड़े दिमाग में। चलिए ये क्वेश्चन है, इफ साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी प्लस 1 = 0, ये प्रूफ करना है, 1+ जो भी प्रूफ करना है ये पहले लिख लेता हूं, साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 1 = 0। हमें सीखना यह है, समझना यह है कि यहाँ कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या, जरूर दिख रहा है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, यहाँ माइनस रहा है, इस सबको थोड़ा ठीक कर लेता हूं, दिख रहा है कॉस ए कॉस बी, चलिए कॉस ए कॉस बी, ये माइनस था, उसी को उधर ले गए, 1 को रहने दिए, इसी को पॉजिटिव बना दिया, इसको उधर ले गए, इसको भी ले जाते हैं साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू 1, इसको पॉजिटिव ले गए, उधर ले गए, नेगेटिव हो गया, 1 ठीक ही रहता है। यहाँ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस का फॉर्मूला है कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से साइन निकालने के लिए बहुत सारा तरीका, कॉस थीटा को साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 - cos² θ रूट ओवर देके, जो भी हो, तो मैं एंगल ही ला देता हूँ, देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस 0 डिग्री, 1 का वैल्यू कॉस 0 यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। अब हमें प्रूफ करना है कॉट अल्फा टेन बीटा, कॉट अल्फा मतलब होता है कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, ये साइन बीटा, सब मिला के साइन का फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे कुछ कुछ, तो इस तरह से कॉस से कन्वर्ट करके हम साइन में आ जाते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन 0, तो 0 ही फॉर्मूला लिख दीजिए, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा इक्वल टू 0। अब बात होता है यहां से इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये कॉट अल्फा होना चाहिए, कॉट अल्फा होना चाहिए, किससे डिवाइड करूं, कि दोनों बात मत सोचिए, एक सोचने से हो जाएगा, कॉट अल्फा होने के लिए, कॉट अल्फा का मतलब होता है कॉट अल्फा यानी कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, यहाँ कॉस अल्फा है, यहाँ डिवाइड कर रहा हूं
साइन अल्फा कोस बीटा बाय साइन अल्फा कोस बीटा से। कहां से आइडिया लिए? यहां देखिए कोट अल्फा है, कोस अल्फा के नीचे साइन अल्फा होना चाहिए, या इस तरह भी सोच सकते हैं वन होना चाहिए, वन होने के लिए जो लिखा उसी से डिवाइड करें, तो बोथ साइड ही डिवाइड करना पड़ेगा, कोस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा कोस बीटा इक्वल टू जीरो। ये साइन अल्फा कट के वन प्लस कोस अल्फा बाई साइन अल्फा कोट अल्फा साइन बीटा बाई कोस बीटा टेन बीटा इक्वल टू जीरो, ये प्रूफ। तो ये साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी इससे रिलेटेड अगला वीडियो में टेन ए प्लस बी और कोट ए प्लस बी के कम से कम 5-7 या 10 सवाल करेंगे। आप ऐसे टुकड़ा टुकड़ा प्रिपेयर करिए। थैंक यू।